हैं कि अगर हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है। तो बच्चों इस पे हमने काम कर लिया था, तो आगे बढ़े अब। और स्टार्ट करते हैं इधर। तो सबने रिवाइज करके आए हो। एनसीईआरटी के जो छोटे छोटे सवाल होते है ना, उनको है सॉल्व कर लिया है घर पे, पीछे की जो एक्सरसाइज है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे जो हमने काम किया था, अब हम उसके आगे बढ़ेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज है वो ना है जो हमें, वो है इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब थोड़ा सा फास्ट ले चलेंगे। कितने हमने इस लेक्चर पढ़ लिया, हैंड रेज करें कृपया। ये हैंड रेज करें। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमने पहले से पढ़ रखा है, तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अगर कुछ बच्चों ने, जैसे वाइस जुलाई बैच भी है, उन्होंने नहीं पढ़ा है, तो भी मैं उसको साथ से ही पढ़ा रहा हूँ। तो अगर जिन्होंने पढ़ा भी है उनका भी रिवीजन होगा, और जो जून बैच या जुलाई में जिनका अभी क्लासेस के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एकदम भी पाया है, उनको भी समझ में आएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये क्या होती है, इसकी बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कोवेलेंट बॉन्ड की डिफाइंड है। शेयरिंग से बनता है। एक कोवेलेंट बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन एक एक जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तरफ की होगा वो आवाज इस नहीं आ रही इलेक्ट्रॉन है। को अपनी तरफ क्या। अच्छा, मेरी आवाज मतलब आ ही नहीं रही है या उसमें कुछ प्रॉब्लम है, क्या बहुत है? कट है बीच में। आवाज कट रही है। ओके, आप इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ एन एटम, एबिलिटी ऑफ एन एटम। लास्ट क्लास का सेंड नहीं किया मैंने, सेंड तो किया होगा। अद्वित खुशी बोल रही है, ऑडिबल नहीं है। लास्ट लास्ट क्लास का तो मैं अभी भेज देता हूँ, ठीक है? पेंट है एक्स्ट्रा कौन क्या बोल रहे हो अद्वित? है जरा, मेरी खत्म से गई होती है, पेन लाइव पड़ता ऊपर लेक्चर अभी रिटर्न। अभी मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ, 11th वाले ग्रुप्स पे, जितने भी बच्चे हैं जो इस तरीके की इंटीग्रेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको मैं दे देता हूँ। श्रीवुड पनवेल पेन, मुझे तो ये नहीं पता है कौन सा किस में है, काफी अलग अलग ग्रुप्स हैं। तो ये हमारी जो क्लास हुई थी ये 3 नवंबर को हुई थी, तो वो मैं डेट के साथ डाल रहा हूँ, उसमें अपना अद्वित देख लेना तुम, ठीक है? अभी मैंने पोस्ट किया है, अब तुम लोग को मिल गया होगा। सुनो ध्यान से, क्या है, इट इज द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ एन एटम, ठीक है,
इन अ इन अ केमिकल कंपाउंड इन अ केमिकल कंपाउंड केमिकल कंपाउंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि भाई जो हमारे पास कंपाउंड होगा उसमें दो डिफरेंट एलिमेंट्स जरूर होंगे, जैसे ए बी होगा, सी ओ टू इसको अपना जो है अपना माइक्रोफोन इसको आप हाँ टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स टू इट्सेल्फ, अपने इलेक्ट्रॉन को खींचने हम लोग क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। फिर से समझ लेना क्या है, इसको दूसरी लैंग्वेज जैसे HCl है और क्लोरीन है, तो ये इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनाते हैं। हम थोड़ा आगे जाएंगे तो हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ना होगा, ठीक है, क्रॉस और डॉट वाला। तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास एक है, क्लोरीन के पास 2.8.7 है, आउटर इलेक्ट्रॉन 7 है। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे तो इसके पास 2 हो जाएंगे और इसके पास 8 हो जाएंगे, तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनेगा। बट चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्लोरीन तरफ ज्यादा शिफ्ट होते हैं, बिकॉज जो सीएल है वो इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन ज्यादा लगाता है, उसकी एबिलिटी जो है एटम की सीएल की वो इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज्यादा होती है। ये जो इलेक्ट्रॉन है बिल्कुल मिडिल में ना रह के इक्वली शेयर ना होके क्लोरीन की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट रहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो डेंसिटी है वो क्लोरीन की तरफ हमें ज्यादा मिलती है। तो ये चीज है, इस पर्टिकुलर एबिलिटी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो पेयर रहेगा ये सीएल की साइड में शिफ्टेड रहेगा, इसको हम लोगों को जानना है। ये जो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये क्वालिटेटिव है, कैसा है ये, इट इज क्वालिटेटिव इन नेचर, इट इज क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब इसकी हम लोग एग्जैक्ट जो वैल्यू है उसको नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये कंपेरेटिव है ना। We can compare the values of electronegativity of different elements. क्योंकि हमें बोर्ड्स के हिसाब से लिखना है तो थोड़ा हमें लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। अगर हम एक पर्टिकुलर वैल्यू को अपना स्टैंडर्ड मान लें तो हम दूसरे के साथ उसको कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्योंकि डायरेक्ट मेजरेबल नहीं है, इसकी एक क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं आती है। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड और एब्जॉर्ब, तो वो तो मेजर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में भी वही होता है, एनर्जी कितनी जो है रिलीज हुई या एब्जॉर्ब हुई। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या है, टेंडेंसी है, एक एबिलिटी है। तो एबिलिटी किसी चीज की मेजर करने के लिए हमको उसकी एक स्केल बनानी पड़ेगी, उसकी कोई एक्चुअल वैल्यू नहीं है कि इसने 10 जूल से खींचा या इसने 5 न्यूटन से खींचा, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल एक टेंडेंसी को बता रहा है, एक क्वालिटी को बता रहा है। तो क्वालिटी मेजर करना न्यूमेरिकल स्केल पे काफी टफ होता है, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट स्केल्स हैं, उन स्केल्स को यूज करके हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए नंबर ऑफ न्यूमेरिकल स्केल्स of electronegativity of elements are developed by different scientists, है ना। उसके अंदर सबसे जो important है वो कौन सी है, Pauling scale, ठीक है। ये हमें याद रखनी है, सिर्फ यही syllabus में NCERT के है, और भी दो हैं उनको JEE में पढ़ाएंगे, केवल नाम दे रहा हूं। एक है मुलिकेन स्केल और थर्ड जो है वो है एलरेड रोशो स्केल। रोशको भी बोलते हैं और इसका जो भी प्रोनंसिएशन है वो तुम्हें याद रखना है, एलरेड
रोशो भी बोलते हैं, मुलिकन स्केल बोलते हैं, ये दोनों नॉट इन सिलेबस है, ये सिलेबस के अंदर नहीं है फॉर दी एनसीईआरटी। तो इसमें जो भी जिसको नोट करना है वो नोट करे। फिर पॉलिंग स्केल पे कौन कौन सी वैल्यू असाइन की गई है, तो पॉलिंग ने क्या किया, चार वैल्यू मान ली। पॉलिंग ने कितनी वैल्यू मान ली, चार। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसने अपनी स्केल पे चार मानी थी, ठीक है। ये एक आर्बिट्री वैल्यू असाइन की गई। अगर आर्बिट्री वैल्यू असाइन नहीं की जाती तो हम कंपेयर नहीं कर पाते ना, तो उसने किस डेटा के हिसाब से किया है ये भी हमारे पास है। वो फॉर्मूला भी मैं तुमको दे दे रहा हूँ, बट उसका एप्लीकेशन एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है। हाँ, जेई के ऊपर उसमें जो है क्वेश्चन हम लोग करते हैं, तो मेंस में भी सवाल नहीं आता, बट एडवांस में उस पर सवाल आ जाता है। तो ये सबने नोट करना है, जिसको जल्दी नोट करें फिर आगे बढ़ते हैं। समझ गए, पॉलिंग्स स्केल पे बढ़ रहे हैं आगे। तो हम लिखेंगे पॉलिंग्स स्केल पहले नंबर पे, उसी को पढ़ना है वही सिलेबस में। पॉलिंग्स स्केल, सर एक सेकंड ओपन कीजिए। अच्छा तो क्या आयनिक बॉन्ड में हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करते हैं? आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बात नहीं करेंगे, ठीक है। पॉलिंग्स स्केल देखो, इन्होंने क्या बोला, पॉलिंग असाइंड दी एन आर्बिट्रेरी, आर्बिट्रेरी वैल्यू देनी ही पड़ेगी। मैंने तुमको बताया कोई इसका एक्चुअल मेजरेबल प्रॉपर्टी तो है नहीं ये कि मेजर कर लोगे। तो पॉलिंग ने इसके लिए फ्लोरीन को एक आर्बिट्रेरी वैल्यू असाइन कर दी। तो आर्बिट्रेरी लिख लो, सिर्फ आर्बिट्रेरी वैल्यू ऑफ फोर टू फ्लोरीन, ठीक है। कितनी वैल्यू दे दी अपनी स्केल पे, चार। बोला कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज फोर, ये इन्होंने दे दिया। अब इस एलिमेंट जो है फ्लोरीन, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है, क्योंकि प्रैक्टिकली जो फ्लोरीन है वो अपना ऑक्टेट बहुत तेजी के साथ पूरा करना चाहता है। जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा, मान लो इसने किसी के साथ भी शेयरिंग करी है, तो इसका साइज इतना छोटा है, इसका जेड इफेक्टिव काफी हाई है, जेड इफेक्टिव पढ़ लिया है ना, और साथ में इसका साइज बहुत छोटा है, जेड इफेक्टिव हाई है, साइज छोटा है, तो इलेक्ट्रॉन पे इसका अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए ये अपना ऑक्टेट जल्दी से कंप्लीट करने के, जबकि शेयरिंग में इसका ऑक्टेट वैसे भी 2.8 हो चुका है, लेकिन जेड इफेक्टिव और साइज छोटे की वजह से इसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करता है। तो जो फ्लोरीन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा है। फ्लोरीन इज द एलिमेंट विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन द पीरियोडिक टेबल, इन द लैग हो जा रहा है आवाज क्या? अच्छा अभी कैसी आवाज आ रही है, अभी कुछ सुधार है? हाँ सर अभी ठीक आ रही है, अभी ठीक आ रही है। अच्छा देखो तो लिखा क्या, पॉलिंग्स जो है वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने फ्लोरीन को कितनी वैल्यू दे दी, चार, है ना। तो ये तुमको हमको याद रखना है। अब मेरी बात ध्यान सुनना, अगर मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं
तो हमें याद रखना है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये हमेशा जो है रिलेटिव कॉन्सेप्ट है। कैसा कॉन्सेप्ट है? रिलेटिव कॉन्सेप्ट। ये हमेशा कंपेरेटिव चीज है। अगर फ्लोरीन की चार है तो हम बात करेंगे इसके रेस्पेक्ट में क्लोरीन की कितनी है। तो चूंकि इन्होंने मान लिया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन इज फोर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को लिखने का दूसरा तरीका है, हम लोग इसको एक्स से भी लिखते हैं या जाई से भी लिखते हैं कई जगह, इस तरीके का निशान है। एक्स फ्लोरीन चार है, एक्स ये जाई फ्लोरीन कितना है? चार, ये मान लिया है। अब उन्होंने एक फॉर्मूला दिया था, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, यहां पे हम ये लिख रहे हैं ऑफ एलिमेंट्स। तो क्या फॉर्मूला है? वो फॉर्मूला है डेल्टा इज इक्वल टू एक्स ए माइनस एक्स बी, वेयर डेल्टा क्या है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है? डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई से लो घटाना है डिफरेंस है वो, ताकि पॉजिटिव वैल्यू आए। एक्स ए क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ए। एक्स बी क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट टू। और यहाँ पे क्या लिया है? 0.208 ये फैक्टर निकाला उन्होंने, इसका प्रूफ नहीं है हमारे पास हमारे सिलेबस में। और यहाँ लिया ई ए बी, ये बताऊंगा अभी क्या है, माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी। तो मैं इसको थोड़ा सा तुम्हारे क्लैरिटी के लिए बता रहा हूँ, बट ये जो फॉर्मूला है ये सीधे सीधे एनसीईआरटी के सिलेबस में नहीं है, है ना। सिर्फ हमें कंपेरेटिवली याद रखना है कि फ्लोरीन की चार है बाकी कितनी है, लेकिन एक फिर भी मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूँ क्योंकि जेई में तो वैसे ही पढ़ना है। वेयर एक्स ए क्या है? एक्स ए इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट ए। वेयर एक्स बी क्या है? बोलो बच्चों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलिमेंट बी। और ई ए बी क्या है? ई ए बी इट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड। कितने लोग को बॉन्ड एनर्जी पता है? किसी को पता है कि मैं समझाऊं उसको? देखो बॉन्ड एनर्जी क्या होती है, यहाँ पे बॉन्ड एनर्जी आ गया है वर्ड, तो उसको समझ लेते हैं। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड द गैसियस फेज ऑफ मॉलिक्यूल टू सेपरेट इट इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स, इंटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स। यूनिट क्या जनरली लेते हैं? ज्यादातर यूनिट लेते हैं जूल मोल और किलो जूल पर मोल लेते हैं। यूनिट क्या लेते हैं? पर मोल मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया, बॉन्ड्स को ब्रेक किया और किलो जूल पर मोल लेते हैं। एग्जांपल H2 लिखा है तो H इज बॉन्ड को और उस
फिर से कनेक्ट किया हूँ कनेक्शन थोड़ा ठीक करने के लिए। अब देखो आवाज वगैरह बिल्कुल सही है। बॉन्ड एनर्जी समझ में आया किसी को? बॉन्ड एनर्जी में डाउट? गैसियस मॉलिक्यूल के अंदर जो बॉन्ड है उसको है, तो जितनी एनर्जी यहाँ पे लगेगी उसको ही हम क्या बोलेंगे? बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, हम कहते हैं बॉन्ड एनर्जी। ये बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी लगी, क्योंकि बॉन्ड जो है वो स्टेबल होता है। जब बॉन्ड बनता है ना तो एनर्जी रिलीज जो रिएक्शन है इसका जो एंथैल्पी चेंज है, या ऐसे लिख दें कि इस रिएक्शन में एनर्जी जो है वो अब्सॉर्ब हुई, माइनस बॉन्ड एनर्जी, ऐसे लिख सकते हैं माइनस बी, एनर्जी इज अब्सॉर्ब सर। आपका आवाज कट रहा है। अच्छा, अभी जब से ज्वाइन ये वाला जो है नोट करने का जो काम है वो तुम लोग कर लो। ये ऊपर का नोट था भी फॉर्मूला, तो वहां से स्क्रीन नहीं दिख रहा है। फॉर्मूला नोट कर सकते हो? तो स्क्रीन नहीं दिख रहा, स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या? इसका पूरा ब्लैंक आ रहा है। इसको मैं अभी मैंने हटा दिया है, अभी किसी को कुछ नहीं दिख रहा होगा। आप बताना अभी स्क्रीन दिखा क्या? लिख क्या रहा है? स्क्रीन शेयर कर दी मैंने, इसका आया? सर आपकी आवाज नहीं सुनी दे रही। नहीं अभी तो मैं रीड कर रहा हूँ, तो मैं उसको बना रहा हूँ, ये बोल ही नहीं रहा था मैं, बट आवाज तो आनी चाहिए। हेलो, क्या ऑडिबल हूँ मैं? यस सर, ऑडिबल है ना? ठीक है, इसको नोट कर लो। कहाँ से नोट करना बचा है? फॉर्मूले से बचा है ना, उसके ऊपर का तो हो गया है। फॉर्मूला जो है वो जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से इतना नहीं है, फिर भी मैंने तुमको बता दिया है कि फॉर्मूला कैसे। सबने फॉर्मूला नोट करना है, फिर उसके ट्रेंड्स पे चलते हैं हम लोग। ट्रेंड क्या होता है, कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उन पे भी बात करेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा बताओ ईए क्या बोल रहे हो? नहीं समझा व्हाट इज। हां सर। अच्छा आज ही नहीं समझ में आ रहा, यही बता रहे हो ना? नहीं मतलब आपका आवाज क्रैक हो रहा है, लैग हो रहा है। लैग हो रहा है, एक मिनट ऊपर आते हैं हम लोग। सुनो इसको नोट करें जब तक मैं इसको सही करने की कोशिश करता हूं।
हेलो। हाँ सबको स्क्रीन दिख रही है, तो इसको नोट करें। और इसमें जो है ई ए बी जो है वो क्या है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड। ई ए बी इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी बॉन्ड। ई ए क्या है बताओ, ई ए ए इट इज द बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए बॉन्ड। और बी बी क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बी बी बॉन्ड। मतलब थोड़ा दिमाग लगाओ इसमें। जैसे ए बी बी मतलब ये ए टू मॉलिक्यूल है, ये बी टू मॉलिक्यूल है, और उसको हम अलग से बना रहे हैं ए बी मॉलिक्यूल। तो ए मॉलिक्यूल की बॉन्ड एनर्जी का मतलब क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक करना, तो टू ए गैस बन जाएगा यहाँ पे ए टू से। तो यहाँ जो बॉन्ड एनर्जी आएगी उसको बोलेंगे बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए बॉन्ड। इसको हमने क्या लिख दिया वहां पे, ई ए ए मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए ए बॉन्ड। सिमिलरली बीबी के लिए क्या लिखा, बॉन्ड एनर्जी ऑफ बीबी, या इसको बोल दिया ई बी बी। और ए बी में क्या लिखा, ए गैस प्लस बी गैस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक किया। ये जो मैं कर्व वैसे बना रहा हूँ ये ब्रेकिंग के लिए ऐसे दिखा रहे हैं कि यहाँ ब्रेक कर रहे हैं। ये ए बी मॉलिक्यूल है गैसियस, तो इसके अंदर क्या लिखेंगे, ई ए बी, या इसको और भी क्या लिख सकते हैं, बॉन्ड एनर्जी ऑफ ए बी। ये डेटा सारा जो है वो क्वेश्चन में गिवेन होता है, हमें सिर्फ उसको पुट करना है इस पर्टिकुलर फॉर्मूले और वैल्यूज कर लेनी है। हमें ध्यान रहना है हमें जो भी वैल्यूज लेनी है इस फॉर्मूले में वो सारी वैल्यूज किलो जूल पर में लेनी है, पर मोल में लेनी है। तो याद रखेंगे, इन द एबो फॉर्मूला वी हैव टू टेक द वैल्यूज ऑफ बॉन्ड एनर्जी इन किलो जूल पर मोल। ये एक पॉइंट और ऐड कर लें तो सब सही हो जाएगा। फिर जो बॉन्ड एनर्जी डेटा है उसके अंदर हमें किलो जूल पर के अंदर यूज कर लेना है। अच्छा अब जो मैं बोल रहा हूँ सबको सुनाई दे रहा है, अब तो प्रॉब्लम नहीं आ रही सुनने में, अभी भी लैग हो रही है आवाज क्या? नहीं सर, नहीं। अच्छा वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो अब इसमें बताओ कहीं से नोट करने का छूटा है ऊपर नीचे का कुछ भी? तो वो बहुत सारी टेक्नोलिटीज हैं इस ऐप में, कभी किस तरीके से आवाज आती है कभी किसी तरीके से आती है, तो ये थोड़ा है इसमें। बट अगर बहुत ज्यादा स्टेबल कनेक्शन होता है तो फिर ज्यादातर खींच ले जाता है, उसमें काम चल जाता है। तो ये फॉर्मूला एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि पॉलिंग थे एक साइंटिस्ट अमेरिका के, उन्होंने बोला कि चूंकि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डायरेक्ट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं बताई जा सकती बिकॉज वो एक क्वालिटी है, तो उन्होंने बोला हम फ्लोरीन को चार वैल्यू देते हैं, फोर न्यूमेरिक वैल्यू, और उसके कंपेरिजन में उसके रिलेटिव रेशियो में उसके रिलेशन में हम बाकियों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिसाइड करते हैं। तो उन्होंने फ्लोरीन की जैसे चार मान ली, ऐसे करके अलग अलग एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस फॉर्मूले से सॉल्व करी गई है। तो वो क्या क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आती है वो वैल्यूज में यहाँ पर तुमको दिखा रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ और कौन सा ही वाला, इसके ऊपर कौन सा बताओ। सर वो फॉर्मूला था हाँ वही तो मैं पूछ रहा था, यहां से लिखना है ना, पर नोट्स बना लो। देखो जेई के लिए क्या है कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट होना अच्छा है और सॉल्विंग जरूरी है, उसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते हैं। बट जब हम लोग जो है कॉलेज लेक्चर्स के लिए पढ़ते हैं, या ये कह सकते हो कि स्कूल के जो होते हैं लेक्चर उनके लिए पढ़ते हैं, थोड़ा सा लिखने का जरूरी है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डेफिनेशन पूछ सकते हैं वो,
उसके कुछ एग्जांपल पूछ सकते हैं। तो नोट्स अगर होंगे तो एग्जाम के टाइम पे इससे बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बाय। ओके, इसको नोट करो जल्दी। सर हो गया। ओके वेरी गुड, नीचे करें। ये वाला लिख रहे हो ना? सर हो गया लिख के वो। अच्छा, पूरा नीचे का लिख लिया था पहले ही? नीचे का पहले लिख लिया था क्या तुमने? यस सर, ऊपर का रह गया तो थोड़ा। अच्छा ठीक है, एक मिनट रुको, पानी पी लूं मैं। तो अब लिखने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक चलो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सम एलिमेंट्स अकॉर्डिंग टू पॉलिंग स्केल। सॉरी, देखिए बच्चों, यहाँ लिख रहा हूं मैं, नोट करना। सबसे इंपॉर्टेंट है फ्लोरीन, कितना होता है बताओ फ्लोरीन का पॉलिंग स्केल पे? 4। उसके बाद याद करना है तुम्हें क्लोरीन का, कितना होता है बताओ पॉलिंग स्केल पे? 3.0। ऑक्सीजन का याद रखना है। चलो लाइन से लिखता हूँ तो थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा। फ्लोरीन के बाद आता है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का होता है 3.5। फिर नाइट्रोजन का आता है 3.0। उसके बाद क्लोरीन का है ऑलमोस्ट 3.0, ऑलमोस्ट बराबर है, बस नाइट्रोजन का हल्का सा हम लोग पहले लेते हैं क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है, क्लोरीन का साइज बड़ा है। तो नाइट्रोजन जो है ऑर्बिटल्स में ओवरलैपिंग अच्छी करेगा जब कोवेलेंट बॉन्डिंग बनती है। उसके बाद फिर तुम्हें याद करना है कार्बन का 2.5। बहुत सारे हैं बट हम सारे याद नहीं कर पाएंगे, हम कुछ को याद रखते हैं। उसके बाद तुम याद कर सकते हो फॉस्फोरस का 2.1। उसके बाद तुम्हें याद करना है हाइड्रोजन का 2.1। इस तरीके से इतना याद रखो। और भी हैं जैसे ब्रोमीन का है जो वो 2.8 है, आयोडीन का जो है वो 2.5 है, इस तरीके से है। जैसे लिथियम का अगर देखें तो 1.0 है। तो ये कुछ अल्कली मेटल के भी बता दिए। बेरिलियम जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल, इसका 1.5 है। अब ट्रेंड्स देखेंगे क्या होते हैं, ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो बच्चों, ये तो हमने पढ़ लिया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, उसकी स्केल क्या है, पॉलिंग स्केल जरूरी है, उसमें फ्लोरीन की 4 आर्बिटरी वैल्यू मानी थी पॉलिंग ने सॉल्यूशन, ताकि जो है इस तरीके से वैल्यू ली थी ना कि सारी वैल्यूज 4 से 0 के बीच में आ जाए। करने पे इस तरीके का डेटा लिया, इस तरीके से उसको जो है
किया कि हमारे पास याद रखना भी आसान हो जाए, आम आदमी को जो स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में भी आसानी से आ जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है इसके अंदर कि फ्लोरीन की चार क्यों मानी, क्योंकि चार के बाद जो कम हो रही ना वो बहुत स्लाइटली है, ग्रेजुअल है, 4, 3.5, 3.0, 2.8, 2.5 इस तरीके से कम होती जाती है। फ्लोरीन से ज्यादा किसी की नहीं। सर फास्फोरस का क्या है? सोडियम ले लोगे तो सोडियम का 0.9 है। इस तरीके से अलग अलग एलिमेंट्स के बारे में है। हमने लिख लिया, आगे बढ़ जाऊं मैं तो पहला पॉइंट लिखेंगे व्हेन वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बताओ क्या होगा? सिर्फ की आवाज कट रही है सर, स्क्रीन पे भी जो आप लिख रहे हो नहीं लिख रहा। हाँ लिख रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं दिख रहा कुछ। तो देखो फिर से शेयर कर देता हूँ। ये स्क्रीन अभी दिखी सब? यस। लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड देन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनिविटी इंक्रीजेस। क्यों इंक्रीज करती है, कोई तरीका बताएगा क्यों? बिकॉज जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस है ना साइज छोटा है तो जो पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस का ज्यादा कंसर्न रहेगा, वो कंसंट्रेटेड है। अब वो जो इलेक्ट्रॉन बाहर उसको दिखेंगे, यहाँ इलेक्ट्रॉन जो उसको शेयरिंग में दिख रहे हैं एटम्स को, इन पे ज्यादा इंटेंसिटी के साथ अट्रैक्ट करेगा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। इतना लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन, हाँ बेरिलियम बोरॉन कार्बन सल्फाइड, बताओ सबसे छोटा साइज किसका है इनमें से, कौन बताएगा? लिथियम से लेके फ्लोरीन तक साइज बोलो। हाँ? साइज के बारे में क्या ख्याल है भाई? डाउन द ग्रुप जाओगे साइज इंक्रीज होगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज डिक्रीज होगा, यहाँ पे क्या होगा
साइज इंक्रीज की डिक्रीज। तो यहाँ साइज जो है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, जेड इफेक्टिव की वैल्यू इंक्रीज होती है, इसीलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ती जाएंगी। इस तरीके से याद रखना है। क्यों ऐसा है? क्योंकि लिथियम से बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तक जेड इफेक्टिव बढ़ता है इस तरीके का, ठीक है। और क्या याद रखोगे? लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इसमें साइज जो है वो डिक्रीज करता है। तो तीन चीजें एक साथ याद रखोगे, इसको नोट करें जल्दी। स्क्रीन सबको विजुअल है? स्क्रीन पे जो लिखा है वो दिख रहा है सबको? कोई ऐसा है जिसको स्क्रीन नहीं? अभी कोई इसमें अगर डाउट है तो उसको पूछ सकते हो आराम से, विदाउट एनी हेजिटेशन। इसमें कुछ प्रॉब्लम है कि क्यों लिथियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, क्यों बेरिलियम या बोरॉन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसका पूरा का पूरा यहाँ पे तुम्हें पता चल सकता है डेटा। अच्छा, तो ये नोट कर लिया है सबने आई थिंक। अच्छा बताओ, नंबर दूसरा पॉइंट लिखते हैं। When we move from top to bottom, then, ये हर जगह वैलिड नहीं है बट इन जनरल लिख सकते, देन इन जनरल द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एज, क्यों ऐसा होता है, वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज क्यों करती है, एज साइज ऑफ द एटम, एज साइज ऑफ द एटम इंक्रीजेस एंड जेड इफेक्टिव रिमेन्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, जेड इफेक्टिव रिमेन्स ऑलमोस्ट, वो तो मैंने तुमको सिखाया था पहले ही। तो साइज बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है, जैसे हम इसमें देख लें, लिथियम सोडियम रोडियम सीजी ऐसे, तो लिथियम सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लिथियम के बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाने पे घटती जाएगी इस तरीके से, ठीक है। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डेटा है। अल्कली मेटल्स हैं ये सब, क्या है, अल्कली मेटल्स। सिमिलरली अगर मैं पूछूं हेलोजन्स में, तो नीचे जाने पे क्या होती है, डिक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप डिक्रीजेस क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी इसमें से, बोलो। इन अगर मैं इन सब की बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होगी, बोलो, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन एस्टेटिन में फ्लोरीन की होगी, और नीचे जाने पे वो, ये डिक्रीज का साइन है ना, F इज ग्रेटर देन Cl, इज ग्रेटर देन Br, इज ग्रेटर देन आयोडीन, इज ग्रेटर देन एस्टेटिन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेटा ये है। तो इस तरीके से हमको इसके अंदर ट्रेंड्स को याद रखना है। बहुत जगह ये ट्रेंड काम नहीं करता है, लेकिन उसको हम आगे पढ़ेंगे, हम उसको जो है पी ब्लॉक में जाकर के पढ़ेंगे। जैसे लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन जब मैं पढ़ा दूंगा, जब जेई में कवर हो जाएगा तो उसका बेनिफिट तुम्हें मिलेगा। कई बार क्या होता है, साइज जो है डाउन द ग्रुप जाने पे जितना बढ़ना चाहिए उतना नहीं बढ़ पाता है बिकॉज ऑफ सम कॉन्ट्रैक्शन इन साइज, तो वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी वेरिएशन आ जाते हैं। लेकिन इन जनरल जो मैंने वर्ड लिखा है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, इन जनरल मतलब ज्यादातर ऐसा ही होता है कि डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। अच्छा, कौन बताएगा नोबल गैसेस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होंगी, क्या लेफ्ट टू राइट जाने पे उनकी भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी क्या, सबसे राइट में है पीरियोडिक टेबल का?
कौन बताएगा? अगर मैं लेफ्ट टू राइट जा रहा हूं, क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी ना। तो ये एक इसका याद रखना है, इम्पोर्टेंट पॉइंट। भले ही हमारी जो इनर्ट गैसेस हों, गैस पी ब्लॉक में, तो यहाँ द इलेक्ट्रो नेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ नोबल गैसेस आर वेरी लो बिकॉज दे सी वैलेंट बॉन्ड्स एक्सेप्ट सम कंपाउंड्स ऑफ xenon, radon and krypton. Some compounds of xenon. अच्छा चिराग क्या बोल रहे हो? चिराग वॉइस लैग? ओके चिराग, आवाज कट रही है, ऐसा है क्या? देखो मैं फिर से इसको रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनेंगे सारे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज ऑफ नोबल गैसेस आर वेरी लो because they do not have any tendency to form covalent bonds except some compounds of xenon, radon and krypton. है ना, वो कोई भी कंपाउंड फॉर्म नहीं करते हैं। xenon जो है उसकी कुछ कंपाउंड मिल जाते हैं, radon के कुछ मिल जाते हैं, बाकी noble gas, neon, helium ये कोई भी कंपाउंड फॉर्म कर नहीं करते हैं। ये बिल्कुल inert gases हैं। कैसी हैं? इनर्ट गैसेस, कोई भी कंपाउंड ये फॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो हम इसलिए याद रखेंगे कि लेफ्ट टू राइट तो हमने बोला है बढ़ता है, पर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, तो क्या यहां तक बढ़ता रहता है? नहीं, यहां पे जाकर के रुक जाता है। सिर्फ फ्लोरीन तक वेरिएबल है, तो इसको नोट करें डेटा को। ये हो जाए तो बताना। सर थोड़ा सा ऊपर करो ना। अच्छा बच्चे ठीक है, जिसका भी रहेगा हाँ सर हो गया, थैंक यू। ओके तो जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा तो उसके तुम लोग ने आंसर देना है। जैसे यहां पे लिखा है विच एलिमेंट हैज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हर जगह तो कंपेयर नहीं कर पाओगे लेकिन कई जगह पे कंपेयर कर सकते हो। जैसे दिखा है कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, सीजियम। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, सबसे कम किसकी है, बताओ? यस, नियॉन का एटॉमिक रेडियस फ्लोरीन से बड़ा होता है। इसका वजह क्या है चिराग? क्योंकि नियॉन के लिए वान डेर वाल रेडियस है। कौन सी रेडियस है? वान डेर वाल रेडियस।
और फ्लोरीन के लिए तो वंडरवॉल रेडियस का साइज सबसे ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि इसके अंदर एक्चुअल बॉन्डिंग नहीं है, ये सिर्फ वीक वंडरवॉल फोर्सेस से जुड़े हुए हैं नियॉन एटम्स। ये डिस्टेंस अगर डी वंडरवॉल है ना, तो हम लोग इसको जो रेडियस निकालेंगे वंडरवॉल रेडियस वो डीवी अपॉन टू होगी। इसलिए नियॉन की रेडियस प्रैक्टिकली जो है वो फ्लोरीन से काफी बड़ी होती है। नियॉन का साइज फ्लोरीन के साइज से बड़ा होगा प्रैक्टिकली, क्योंकि इसके लिए प्रैक्टिकली हम लोग कौन सी निकालते हैं, वंडरवॉल रेडियस, और फ्लोरीन कौन से कंपाउंड बनाता है, कोवेलेंट कंपाउंड, फॉर एग्जाम्पल एफ टू गैस। नियॉन तो कोई कंपाउंड बनाता ही नहीं है, अकेला रहता है, खाली रहता है, ऐसे इस तरीके के नियॉन के एटम्स मिलते हैं गैस फॉर्म में, है ना। तो हमें ये समझना है कि चूंकि हम नियॉन के वंडरवॉल रेडियस का यूज करते हैं, इसलिए उसकी एटॉमिक रेडियस वंडरवॉल रेडियस से बताई जाती है, वो उसका साइज फ्लोरीन के साइज से बड़ा होता है। ओके चिराग, अब इसमें कौन सा होगा, सीएस, कौन सा होगा, सीजियम। हाँ, सीजियम इज लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड फ्लोरीन इज हाईएस्ट, क्योंकि सीजियम क्या है, अल्कली मेटल है, वो भी नीचे का है, अल्कली मेटल है वो भी नीचे आ रहा है, लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, रुबिडियम, फिर सीजियम, तो काफी कम हो जाती है इसकी इलेक्ट्रॉनिक 0.6 0.7 के आसपास आएगी, और फ्लोरीन सबसे ज्यादा है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, अब मैं तुमसे कुछ और क्वेश्चन पूछता हूं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ आयंस ऑफ एनी एलिमेंट बताओ, ए है, ए प्लस है और एफ टू प्लस है, सबसे ज्यादा जेड इफेक्टिव किसमें होगा इन तीनों में बताओ, इन तीनों में जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, जेड इफेक्टिव क्या होता है, जेड माइनस सिग्मा, सिग्मा किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे, तो जेड तो सेम है भाई, जो एटम ए है उसका जो जेड होगा वो तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा ना, जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो जेड तो सेम है बट तुमने प्लस चार्ज लगा के इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, अगर सिग्मा कम करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डिक्रीज कराओगे, तो जेड इफेक्टिव तो बढ़ेगा, तो जेड इफेक्टिव सबसे ज्यादा किसका है बच्चों, इसमें किसका है बोलो, ए प्लस टू का। साइज किसका छोटा है बोलो, ए का, तो इन दोनों में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा आएगी, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी आएगी बोलो, ए प्लस टू की। तो हम कहेंगे On increasing the positive charge on any atom, its electronegativity increases। बोलो चिराग, समझ में आया, और खुशी, बाकी लोग जो अभी आंसर दे रहे हैं या नहीं भी दे रहे हैं वो बताएंगे। अच्छा, इसमें बताओ सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, इसकी होगी, क्यों, क्योंकि इसका जेड इफेक्टिव क्या है, इन तीनों में जेड इफेक्टिव किसका सबसे ज्यादा है, ए का, क्योंकि जेड माइनस सिग्मा, जेड तो सेम है, सिग्मा मतलब तो जेड इफेक्टिव कम होगा, तो जेड इफेक्टिव अगर कम होगा, और साइज भी अगर हम देखें, साइज किसका सबसे बड़ा है, इसका, जेड इफेक्टिव किसका बड़ा है, तो इन दोनों फैक्टर्स को कंबाइन करोगे तो हम क्या लिख सकते हैं, हेंस ऑन इंक्रीजिंग दी नेगेटिव चार्ज ऑन एन एटम, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या करेगी बोलो, डिक्रीज की इंक्रीज, जल्दी से आंसर दो चिराग, बताओ, तुमने भी आंसर सही दिया था, बताओ,
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज करेगी कि इंक्रीज नेगेटिव चार्ज बढ़ाने पे? कुछ आंसर है एनीवन? चिन्मयी डिक्रीज करेगी, वेरी गुड, क्या बात है, बिल्कुल सही आंसर दिया तुमने। इसको नोट करें, किसको नोट करना बचा है? जिसका भी नोट करना बचा है वो नोट करेगा। मैं इन नोट्स को ग्रुप पे भी शेयर करूंगा, वहां से अद्वैत तुम्हारे भी शेयर करूंगा अभी। एंड वाला पार्ट तो, हाँ क्या बोल रहे हो बच्चे? अभी दिखा रहा हूँ, रुको शेयर कर देता हूँ, नहीं तो पता नहीं कहाँ चला जाएगा फिर। 6 नवंबर है आज, क्या लो कौन सा वाला पार्ट दिखाऊं बताओ, कौन सा वाला पार्ट? सर थोड़ा ऊपर, छोटा कर दिया, ठीक है, और ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना चाहिए। तो क्या सबने लिख लिया? बोलो एनीवन रिमेनिंग? सर आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला टेबल दिखाना, एक मिनट। अच्छा टेबल, टेबल कहाँ चला गया? ये टेबल सर थोड़ा ऊपर, हाँ चलो, जिनका जिनका हो गया है वो नेक्स्ट क्लास की प्रिपरेशन करें, तैयारी करें। अभी क्लास है ना इसके बाद, इसके बाद तुम्हारी और भी क्लासेस होगी फिजिक्स वगैरह की। सबने लिख लिया, क्लोज कर सकते हैं इसको, जिसका रह गया है वो अपना देख लेगा। चलो भाई ठीक है।